नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के 1000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 24 भाग में 720 प्रश्न तो कंप्लीट हो चुके हैं। आज दोस्तों अपना इसमें 25वां भाग है, जिसमें 720 से प्रश्न आगे स्टार्ट हैं। ठीक है, 721 नंबर से प्रश्न स्टार्ट है दोस्तों इसमें। और अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहाँ फोल्डर बना हुआ है कि फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट 1000 क्वेश्चन, तो दोस्तों आप वहाँ जाके सारे के सारे हैं वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना दोस्तों ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं 721 नंबर प्रश्न। कार्यकारी समिति की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होना आवश्यक है? कार्यकारी समिति की एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बैठक होना आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें कितनी बैठक होना आवश्यक है, तो वो है 11 बार। ठीक है, कितनी बार बैठक होना आवश्यक है न्यूनतम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 बार। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 722 नंबर प्रश्न। विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है? तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति का मुख्यालय होता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें विद्यालय होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, कौन सा होता है इनमें, विद्यालय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 723 नंबर प्रश्न। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव होता है? तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन सचिव प्रबंधन समिति का जो सचिव है वो कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है प्रधानाध्यापक होता है दोस्तों। विद्यालय प्रबंधन समिति का सचिव प्रधानाध्यापक होता है। बे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 724 नंबर प्रश्न। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष होता है? विद्यालय प्रबंधन समिति का दोस्तों अध्यक्ष है वो कौन होता है? चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, जिला शिक्षा अधिकारी, शिक्षक, प्रधानाध्यापक, अभिभावक। विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष, सचिव तो होता है दोस्तों प्रधानाध्यापक। ठीक है, अब इसका अध्यक्ष पूछा है तो अध्यक्ष कौन होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होता है अभिभावक। ठीक है, अभिभावक होता है जो विद्यालय प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 725 नंबर। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य है? विद्यालय प्रबंधन समिति का दोस्तों इसमें कार्य कौन सा है, तो देखो वार्षिक लेखा जोखा तैयार करना, पोषाहार कार्यक्रम का निरीक्षण करना, स्कूल मैपिंग के कार्य में सहयोग करना। ठीक है, यह उपरोक्त सभी, तो दोस्तों ये सभी हैं ये विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं। द नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 726 नंबर प्रश्न। विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, तो दोस्तों इनमें से कौन सा है वो विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, तो चलो देखते हैं। पहला ऑप्शन देखते हैं, विद्यालय में भौतिक व मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास करना, दोस्तों ये बिल्कुल सही है। विद्यालय भवन से संबंधित निर्माण कार्य की देखरेख करना, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है, ये दोनों के दोनों हैं विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य हैं। तीसरा देखो, विद्यालय में नामांकन व ठहराव के लिए कार्य करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, ये इसका कार्य है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब बचा अपने पास द नंबर का ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं है ये दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति का कार्य नहीं है, यानी कि ये तीनों की तीनों है लेकिन इसमें दैन नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 727 नंबर प्रश्न। विद्यालय प्रबंधन समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है? विद्यालय प्रबंध समिति का पदेन सदस्य सचिव होता है, तो कौन होता है, तो दोस्तों प्रधानाध्यापक होता है, अभी ऊपर प्रश्न गया था इसे संबंधित। बे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 728 नंबर प्रश्न। विद्यालय में अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक किसके सदस्य होते हैं? विद्यालय में अध्ययन प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता अभिभावक किसके सदस्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों किसके सदस्य होते हैं, तो ये होते हैं साधारण सभा के सदस्य होते हैं। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 729 नंबर प्रश्न। साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत होता है? साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का कितने प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 33%। कितना होता है,
33%, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 730 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है, विद्यालय प्रबंध समिति का वार्षिक अंकेक्षण किया जाता है तो दोस्तों किसके द्वारा अंकेक्षण किया जाता है? चार ऑप्शन आपके सामने है, चार्टर्ड अकाउंट द्वारा, कनिष्ठ लेखाकार द्वारा, BEEO द्वारा, ठीक है, ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक अंकेक्षण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, ऑडिटर सहकारी समिति द्वारा। 731 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक बजट पारित किया जाता है, विद्यालय प्रबंधन समिति का वार्षिक बजट पारित किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वार्षिक जो बजट है ये कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, कार्यकारिणी समिति द्वारा, ठीक है। 723 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का कौन सा पदाधिकारी प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत है? प्रश्न बड़ा है, दोबारा देख लेते हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का कौन सा पदाधिकारी प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने हेतु अधिकृत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो कौन होता है? तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है वो आपको कमेंट में बताना है कि कौन होता है इसका, ठीक है। 723 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के दायित्व में शामिल है, विद्यालय प्रबंधन समिति के दायित्व में शामिल है तो दोस्तों कौन शामिल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है देखो, MDM की देखभाल, ठीक है, विद्यालय की आय व्यय की निगरानी, विद्यालय की शिक्षण व्यवस्था पर निगरानी या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी दायित्व हैं, ये विद्यालय प्रबंधन समिति में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, द नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 734 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम हो सकता है, विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष का कार्यकाल अधिकतम हो सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अधिकतम है वो कितना हो सकता है? तो वो हो सकता है दोस्तों 2 वर्ष का, ठीक है। ब नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 735 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति की सदस्यता समाप्त हो जाएगी यदि। तो दोस्तों चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन सी? तो देखो, संस्था प्रधान के कहने में न हो, ठीक है, ये तो दोस्तों इसकी ऐसे तो दोस्तों इसमें सदस्यता है वो समाप्त नहीं होगी, पहला कथन है वो इसमें गलत है। दूसरा देखो, समिति में आने वाले किसी मुद्दे से संबंधित भ्रष्टाचार में लिप्त हो, देखो इसमें भ्रष्टाचार का नाम आ रहा है तो दोस्तों बिल्कुल है, ठीक है, हो जाएगी सदस्यता समाप्त, ठीक है, एक तो बे नंबर का सही है। और भी देखो, सदस्य समिति की 3 क्रमिक बैठकों में अनुपस्थित रहे, यानी कि आए नहीं समिति में, समिति की जो बैठक होती है उसमें आए नहीं तो दोस्तों इससे भी सदस्यता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इसमें बे और स नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 736 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव का कर्तव्य है, विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव का कर्तव्य है, तो दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव का कर्तव्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों देखो, बैठक के कार्य बिंदु एजेंडा तैयार करना, ठीक है, ये दोस्तों विद्यालय प्रबंधन समिति के सचिव का कर्तव्य है, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 737 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति बैठक में कोरम पूर्ति हेतु सदस्यों की कितनी उपस्थिति आवश्यक है? तो दोस्तों कितनी उपस्थिति है वो आवश्यक है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कितनी, 1/3, ठीक है, कल ये प्रश्न भी आया था ऐसे भी, तो 1/3 कोरम पूर्ति होनी चाहिए, ठीक है, सदस्यों की,
तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 738 नंबर प्रश्न, कार्यकारिणी समिति की बैठक, कार्यकारिणी समिति की बैठक, तो दोस्तों आगे बताना है कि इसमें क्या आएगा। तो देखो कार्यकारिणी समिति की बैठक है वो प्रतिवर्ष अमावस्या को होना आवश्यक है, ठीक है। बे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, कार्यकारिणी समिति की बैठक है वो प्रतिवर्ष अमावस्या को होना आवश्यक है, बे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 739 नंबर प्रश्न, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो वो है कौन सा, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखो वही होंगे जो कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो वही होंगे जो कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष हैं, सह नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 740 नंबर प्रश्न है, विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष होता है तो कौन हो सकता है, ये बताना है अपने को, ठीक है। विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन हो सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन हो सकता है, तो इसका सही उत्तर है वो है दोस्तों केवल माता पिता या संरक्षक सदस्य ही हो सकता है, ठीक है। द नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 741 नंबर प्रश्न, निम्नांकित में से विद्यालय प्रबंधक समिति के उद्देश्य हैं, निम्नांकित में से विद्यालय प्रबंधक समिति के उद्देश्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है, क्या उद्देश्य हैं दोस्तों इसके, तो वो है विद्यालय के क्रियाकलापों को मॉनिटर करना, विद्यालय हेतु आर्थिक सहायता प्राप्त करना, विद्यालय विकास योजना का निर्माण करना, तो दोस्तों एक दो और तीन, ये तीनों ही सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एक दो तीन, ठीक है, तीनों ही सही है इसमें, ये सभी हैं, ये विद्यालय प्रबंधक समिति के उद्देश्य हैं। 742 नंबर प्रश्न है, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है, शाला प्रबंध समिति की मासिक बैठक होती है, तो दोस्तों ये मासिक बैठक है ये कब होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अमावस्या को होती है मासिक बैठक, ठीक है। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। 2015 स्कूल व्याख्याता परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न पूछा गया था 2015 में, यही अमावस्या को होती है दोस्तों मासिक बैठक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 743 नंबर प्रश्न, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली का संचालन किसके अधीन किया जाता है, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली का संचालन किसके अधीन किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है किसके अधीन किया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है न्यूपा के द्वारा, ठीक है, न्यूपा के द्वारा। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रणाली का जो संचालन है वो न्यूपा के अधीन शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है, ठीक है, बे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है 744 नंबर प्रश्न है, डाइस के विद्यालय कोड में प्रथम दो अंक किसे प्रदर्शित करते हैं, तो प्रथम दो अंक है वो किसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है राज्य को प्रदर्शित करते हैं, ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 745 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से असत्य कथन है, निम्नांकित में से असत्य कथन है दोस्तों, तो इसमें असत्य कथन है वो कौन सा है, तो देखो डाइस योजना का संचालन न्यूपा के अधीन इमिस प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों कि इमिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है, डाइस योजना का संचालन न्यूपा के अधीन, ठीक है। और देखो डाइस प्रपत्र के माध्यम से विद्यालय स्तर पर सूचनाओं का एकत्रण किया जाता है, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है, दोनों सही है। तीसरा देखो दोस्तों, इसमें डाइस का साधारण केवल सरकारी एवं अर्ध सरकारी विद्यालयों द्वारा ही किया जाता है, तो दोस्तों ये भी इसमें बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं, ये ही गलत हो जाएगा दोस्तों, एकमात्र यही इसमें गलत है,
और चौथा भी देख लो दोस्तों, डाइस के आधार पर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से विद्यालयों में मूलभूत सुविधाओं का होना सुनिश्चित किया जाता है। तो ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसमें 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो डाइस का जो साधारण है प्रत्येक सरकारी डाइस का साधारण प्रत्येक सरकारी अर्ध सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है। ठीक है, तो इसमें ये गलत दे रखा है, यहाँ पे केवल, ठीक है, केवल नहीं, यहाँ पे प्रत्येक आएगा दोस्तों। तो इसमें 6 नंबर ऑप्शन गलत है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डाइस कब से प्रारंभ की गई? तो दोस्तों डाइस है, डाइस योजना है, ये कब से प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई थी दोस्तों कब से, तो 1995 से ये प्रारंभ की गई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों विद्यालय के आंकड़ा एकत्रण एवं सूचना प्राप्ति की यह योजना डाइस यूनिसेफ के सहयोग से न्यूपा के द्वारा प्रारंभ की गई है। ठीक है, यूनिसेफ के सहयोग से न्यूपा के द्वारा यह प्रारंभ की गई है। 747 नंबर प्रश्न है, डाइस प्रपत्र के माध्यम से विद्यालय स्तर पर सूचना एकत्र करके किस स्तर पर एकीकृत किया जाता है? डाइस प्रपत्र के माध्यम से विद्यालय स्तर पर सूचना एकत्र करके किस स्तर पर एकीकृत किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है कौन सा, तो दोस्तों वो है इसमें देखो ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर, या उपरोक्त सभी स्तरों पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी स्तरों पर, द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 748 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो DISE, ठीक है, डाइस है, डाइस का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों डाइस का जो पूर्ण रूप है वो क्या है? तो देखो डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है, यह है दोस्तों डाइस का पूर्ण रूप। तो इसमें 6 नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 749 नंबर प्रश्न है, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली विकसित की गई, जिला शिक्षा सूचना प्रणाली विकसित की गई, तो दोस्तों यह किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों किसके द्वारा विकसित की गई है, तो ये विकसित की गई है, मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है, न्यूपा और भारत सरकार के द्वारा दोस्तों ये स्थापित या विकसित की गई है जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, जिसको अपन डाइस बोलते हैं। तो ए और ब दोनों के द्वारा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 750 नंबर प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, सभी विद्यालयों को कितने अंकों का डाइस कोड प्रदान किया गया है? तो दोस्तों कितने अंकों का डाइस कोड प्रदान किया गया है सभी विद्यालयों को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 7 अंकों का डाइस कोड है वो प्रदान किया गया है। कितने अंकों का? 7 अंकों का। ठीक है, देखो इसमें 7 भी हैं 11 भी हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में आपको बताना है, 7 या 11 इन दोनों में से होगा दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना किस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आज के अपने 750 प्रश्न हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, 25 भाग अपने हो चुके हैं। तो आराध्या आर एस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद जय भारत।